हे गाइस, पिछले बार हमने ये जो पार्ट 6 था वो कंप्लीट किया था। मैं इसे एक बार आप लोगों को प्ले करके दिखा दूँ, क्योंकि इसमें मैंने लगभग बहुत सारे चेंजेस किए छोटे बड़े, लेकिन ये आप खुद से भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कैमरा जूम इन कर लिया है, तो जो 100% था 110% कर दिया। और यहाँ पर देखोगे तो जो ये जो क्रैप का आइज़ है, देखो यहाँ पर जब वो ऊपर जंप कर रहा है तब आइज़ ऊपर जा रहे हैं और ये ऊपर देख रहा है, ठीक है। और कैमरा एनिमेशन में भी थोड़ा सा मैंने एज एन एज आउट दिए, तो ये आप लोग खुद से खुद के हिसाब से करो। प्लस यहाँ पे देखो, जब ये जो बाइनोक्युलर है ये जब ऊपर जा रहा है तब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो ये इस होल के अंदर से आ रहा है। तो वो कैसे किया है मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए, जब ये यहाँ पर आ रहा है तब मैंने क्या किया है, आने के बाद ये देखो, तब मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्लस, यहाँ पे मैंने जो सर्कल था या फिर जो बनाया था हमने यहाँ पे होल बनाया था, उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट यहाँ पे है देखिए ये वाला, दूसरा पार्ट यहाँ पे। तो मैंने ब्रेक करके दोनों को अलग अलग कर दिया, अलग अलग लेयर पे रख दिया, बाइनोक्युलर बीच में रख दिया। देखो इस तरीके से, सिर्फ सिंपली ऐसे ही करना है आप लोगों को, बस ऐसे लगेगा कि वो अंदर से आ रहा है, ठीक है। तो ये एनिमेशन खुद से भी कर सकते हो। अभी हम आगे बढ़ते तो जो नेक्स्ट वाला हमारा पार्ट है करना है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा जो सीन है कौन सा आएगा, 9 के बाद 10th आएगा। तो 10th में क्या होगा कि वो इसको देखेगा, बगली को देखेगा और फिश भी देखेगा। तो इतना सही दिखाना है हमें, ठीक है। सो ये शॉट आएगा उसके बाद। तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है, देखो यहाँ पे नई फाइल लेनी है। प्लीज़ डाउनलोड माई पिक्टोस पसंद ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखी रखी है। प्लीज़ उसे शेयर भी कीजिए और शेयर करके मुझे सपोर्ट कीजिए। तो नई फाइल में हमें क्या करना होगा, जो बाकी का जो बैकग्राउंड है वो भी क्रिएट करना होगा और सीन उसके हिसाब से मैच करना होगा, देन फिर उनके भी उसके हिसाब से मैच करना होगा। तो 6 पार्ट में आते हैं। यहाँ पे हमने पूरा जो सेटअप बनाया था उसको हम देखते हैं किस तरीके से। देखो तो हम कैसे दिखाएंगे कि वो यहाँ पे खड़ा था, तो चाहे तो यहाँ पे हम, या फिर आप लोग यहाँ पे चाहे तो क्या कर सकते कि हेरन को भी रख सकते इसके पीछे, पेड़ के पीछे इसी सीन में, ठीक है। लेकिन मुझे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं लगती, आप लोग खुद से भी क्रिएट कर सकते हो चाहिए तो यहाँ पर आते हैं। देखो हमें किस तरीके से दिखाने की, इसके अंदर से दिख रहा है ना, सो ये वाला पोर्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो ये पेड़ वगैरह दिखाया है, तो ऑब्वियसली ये भी हमें बनाना होगा। इसका मैं कलर ले लेता हूँ पहले, और यहाँ से हमें स्टार्ट करना होगा। तो सिंपली आप लोगों को ऐसे दिखाना होगा। देखो एक काम करते हैं, यहाँ से ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। देखिए ये ऊपर वाला पोर्शन तो हम ऑब्वियसली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, तो फिलहाल मैं ये कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे हम पेस्ट कर रहे हैं। मैं अंदर चला गया था और यहाँ पे मैंने वो पेस्ट कर दिया सब कुछ, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, देखो हम ये इतना ही पोर्शन दिखाएंगे, ठीक है। प्लस ये जो था ये हम निकाल देंगे और सिर्फ ये ले लेंगे, देखो, और इसे उठा के यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, थोड़ा इस तरफ, क्योंकि मेन हमें वो दिखाना है बैकग्राउंड में। इतना ही दिखाएंगे इस पार्ट में, इसमें सेव भी कर लेता हूँ, रुको ज़रा, इसे एडजस्ट कर लेते पहले हम लोग, तो जितना दूर रहेगा उतना अच्छा रहेगा। तो बाकी का मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने ऐसे सिलेक्शन कर लिया इस तरीके से, और सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, ठीक है। तो इसे सेव कर लेते हैं पार्ट 6 के नाम से, यहाँ पे मैंने 7 के नाम से कर दिया सिंपली। सो अभी ज़्यादा हमें बैकग्राउंड वगैरह बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होगी। अभी बचा है ये जो कि बैकग्राउंड है, सो ये और ये दोनों को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे नए लेयर पे पेस्ट कर दिया। तो ये खा पे चले गए, देखना होगा,
लिखो ये यहाँ पे, इसे उठा के हमें यहाँ पे रखना होगा, प्लस इसे हमें नीचे लेना होगा। वो जो फिश थी वो भी लेके आनी है यहाँ पे। बाद में सबको ऑल सेलेक्ट करके मैं कन्वर्ट टू सिंबल कर ही देता हूँ यहाँ पे। तो ये बिजी रहेगा हमारा मतलब बैकग्राउंड, और अंदर जाके हम लोग क्या करेंगे इसे कंट्रोल शिफ्ट डी, जो जो भी होगा वो अलग अलग हो जाएगा अपने आप। और यहाँ पे हम लोग 500 तक करके रख देते हैं, इतना एक्चुअली होगा नहीं फिर भी यहाँ तक करके रख देते हैं। बाहर आते हैं हम लोग, बाहर आने के बाद अच्छा ये जो क्लाउड था ना उसे हमें नीचे लेके आना होगा। सो क्लाउड जो है वो सबसे नीचे, इसे भी नीचे नहीं, एक्चुअली ये जो है और ये भी एक ही लेयर पे आ गया, इसलिए गड़बड़ हो गया। तो मैंने जो डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर किया था ना वो उस तरीके से नहीं करना चाहिए था हमले। एक बार मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पीछे चले गए। सो ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर नहीं करेंगे हम लोग इसे राइट क्लिक कट फ्रेम्स कर लेते हैं, इंसर्ट न्यू सिंबल ऐसे डाल देंगे। तो ये बीजी रहेगा हमारा, और यहाँ पे हम लोग वो पेस्ट फ्रेम कर देंगे। और हमें क्या करना है, लाइब्रेरी में जाके यहाँ से उसे लेके आना है, यहाँ पे रखना है, और इसे मैं सेंटर में कर देता हूँ अलाइन करके ताकि ये बीच में आ जाए, देखो इस तरीके से। लेकिन ये प्रॉपरली बीच में नहीं आ रहा है हमें जैसे चाहिए वैसे, थोड़ा नीचे देख लेते हैं, यहाँ से भी मैनेज कर लो। सो ये हो गया, अभी अंदर जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे होल्ड रख सकते हैं। सो ये मैंने यहाँ तक इंसर्ट फ्रेम करके होल्ड रख दिया, ठीक है। ये होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो जब हम यहाँ पे आएंगे तो ये वाला होल भी वहाँ पे अगर दिखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ये परले लेयर पे दिखाना है। तो ये क्या होगा, ये इस तरफ होगा और छोटा होगा। अगर ऑडियंस जज कर लेगी तो ठीक ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, हमें ऐसे राउंड के अंदर दिखाना है ये, तो अगर ऑडियंस जज कर लेगी तो ठीक ही है। उसके बाद हमें दूसरा जो सीन था वो ओपन करना होगा, फिफ्थ वाला। फिफ्थ के अंदर हमने फिश वगैरह ली है तो वहाँ से ही कॉपी पेस्ट करेंगे, जितना हो सके उतना रिपीट करने के लिए ट्राई करो। क्या पे शो फ्रेम्स, फिश का जो पोर्शन था ये मैंने फिश बनाई है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कॉपी, और 7 पार्ट में यहाँ पे हम लोग फिश को रख देंगे। तो ये मैं पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे ही चलेगा, अंदर ही करेंगे तो भी। सो ये यहाँ पे रखते हैं, हेरॉन इतना बड़ा होगा ठीक है, कि वो नज़दीक होगा, जो भी नज़दीक होता है वो थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, इसके हिसाब से हमें रखना है। तो ये भी थोड़ी बड़ी कर देते हैं, ठीक है, और ये भी इसके साथ ही दिखाएंगे ऐसे, ये भी थोड़ा इस तरफ दिखाएंगे, ये ठीक है। अभी हेरॉन को लेके आना है। सो हेरॉन जो है हमें, हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली ना, जो शीट थी ना हमारी, एक्चुअली यहाँ से ओपन करना होगा मुझे। सो जो कि स्टोरी है, स्टोरी के हाथ से मुझे ओपन करना होगा एसेट के अंदर। यहाँ पे मैंने फाइनल कैरेक्टर बनाया, ये यहाँ पे एनिमेशन नहीं है, हमें एनिमेशन तो अलग ही बनाना है देखा जाए तो।
और ये वाला ही कैरेक्टर मैं ले लेता हूँ। फिलहाल तो इसके अंदर क्रैब तो नहीं आएगा, सो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। सेवेंथ में आते हैं और बाहर आते हैं सबसे बाहर, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं उसे। अभी अंदर जाएंगे और इसे हम चेंज करेंगे। सो चेंज करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, देखो पहले तो मैं इसे ना राइट में कर देता हूँ, मॉडिफाई ट्रांसफॉर्म की फॉर आइडेंटिटी में बाहर से कर रहा हूँ। उसके बाद हम अंदर जाते हैं और इसके पहले मूव से शुरू करते हैं। तो देखो सॉरी, अभी देखते हैं यहाँ पे इसे हमें देखो इस तरीके से करना होगा, ऐसे ये आगे की तरफ देख रहा है ऐसे दिखेगा। बाद में ये भी उसके साथ साथ इसको भी कर लेते हैं। मैंने शिप पकड़ के दोनों को ले लिया और ऐसे दिख रहा है। अभी ये जो पोर्शन है ना इसको भी हम करेंगे क्या इस तरीके से, दिख रहा है। सो ये हल्के हल्के चेंजेस करोगे तो उस तरीके का जो इफेक्ट है, जैसे कि थर्ड फोर्थ पार्ट दिखा ना हमें, उस तरीके का हमें दिखाई देगा। देखो ये शैडो भी उस तरीके से घूमेगी, प्लस इसके अंदर ये जो पार्ट है उसे हम इस तरीके से और थोड़ा और मैनेज कर लो आपके हिसाब से। चोच में भी कर लेंगे, ऐसे नहीं कि चोच अलग से होगा, तो चोच को भी हमें ऑब्वियसली दोनों को पकड़ के शिप पकड़ के मैं छोटा कर देता हूँ, और इसका सेंटर फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे रखता हूँ। दोनों को पकड़ के सेंटर अगर चेंज कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी एक्चुअली। ऐसे होगा प्लस ये देखो इस तरीके से, ये जो वाइट वाला पोर्शन है एक्स्ट्रा, उसको मैंने सिलेक्ट किया है प्रॉपर्टीज में जाके। यहाँ पे हम लोग अल्फ़ा सेट कर सकते हैं, ये सेट कर दिया, देखो हो गया। अभी हमें सिंपली क्या करना है, ये जो पोर्शंस है इनको हमें इस तरफ, या फिर कंट्रोल जेड करता हूँ, मॉडिफाई ट्रांसफॉर्म फ्लिप हॉरिजेंटल कर देते हैं, ठीक है। देखो ठीक है ये हो गया, और ये जो पेट है ना, पेट वाला पोर्शन, इसके हम अंदर जाते हैं, ये देखते कितना बड़ा है। एक्चुअली ये कम लग रहा है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, बाहर से आते हैं और इसको बढ़ाते हैं, इसको उठा के मैनेज कर लो। ओ वो इसका जो सेंटर है उसके हिसाब से मैनेज कर लो, और ये अप होगा तो सबसे आगे होगा और ये सबसे आगे होगा एक्चुअली, दिख रहा है। प्लस सॉरी ये जो है ना इसे हम मैनेज कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। देन ये जो पैर है, पैरों को भी हमें मैनेज करना होगा। सो पैर को ये चाहिए तो एक बार आप लोग सेलेक्ट करके आउटलाइन मोड पे रख देना फिलहाल के लिए, समझने के लिए। सो कैरेक्टर को हमें इस तरीके से मैनेज करना, सॉरी मैनेज तो करना ही पड़ता है एक्चुअली, आउटलाइन मोड से काम नहीं बनेगा एक्चुअली, जूमिंग करने से ही होगा। सो फिलहाल मैं फर्स्ट टूल नहीं, फर्स्ट टूल से काम भी नहीं बनेगा। अच्छा मैं फिलहाल ऐसे ही मूव करके देख लेता हूँ। नहीं सो एक बार मैं ना इसको मूव कर लेता हूँ फर्स्ट टूल से,
ये ठीक है। एक काम करते हैं, हमें ज़्यादा काम ना करना पड़े इसलिए हम लोग इसे सिलेक्ट करते हैं और अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। मतलब ये पैर वगैरह ज़रूरत तो नहीं है हमें अभी भी, फिर भी मैं ऐसे ही रख रहा हूँ ताकि अगर ये पोर्शन दिखाई दे तो ठीक ठाक दिखाई दे। अभी ठीक है, इतने तक चल जाएगा काम हमारा फिलहाल, क्योंकि हमें पूरा कैरेक्टर नहीं दिखना है। देखो हो गया, तो ऐसे खड़ा है वो, उसकी वेटिंग कर रहा है। सो मैं फर्स्ट टूल से और भी चीज़ें कर सकते हैं कि ये देखो इसका पैर जो है इस तरफ होगा, ऐसे देख रहा है, ऐसे खड़ा है ये, ठीक है। सो कंट्रोल प्लस और क्यू दबा के इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पे ये जो है ना पोर्शन, ये हमें ऐसे बढ़ाना होगा तभी जाके ठीक लगेगा। अभी कैरेक्टर को भी बड़ा करना होगा हमें, सो बाहर आते इसे हम लोग बड़ा करेंगे, इतने से काम नहीं बनेगा हमारा। मतलब नज़दीक रहेगा ना तो इस तरीके का दिखा देगा, देखो ऐसे। तो लगभग पूरे सीन के अंदर ये दिखाई देगा, तो इसे बड़ा करना ही होगा। और ये यहाँ पे ऐसे पकड़ लो, एक बार आप लोग चाहे तो कंट्रोल एंटर करके देख लेना कि किस तरीके से दिख रहा है, मुझे ठीक ही लग रहा है। थोड़ा और चाहे तो बढ़ा लेते हैं, इतने तक ठीक है। अंदर जाके उसकी जो यहाँ पे नेक है थोड़ा इस तरफ कर लेते हैं ऐसे, ताकि लगे कि वो उसको देख रहा है, ठीक है। अभी अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ इसका एक नॉर्मल सा एनिमेशन करना है। किसका? ये बगले का करना है। सो यहाँ पे आते हम लोग और ये फिलहाल इंसर्ट फ्रेम कर लेते हैं। बाहर आते इसको एक बार और हम कन्वर्ट टू सिंबल कर लेते हैं, अभी अंदर जाएंगे यहाँ पे भी हमें होल्ड रखना होगा। सो यहाँ पे मैं होल्ड रख देता हूँ इंसर्ट फ्रेम। इतना एनिमेशन तो नहीं होगा सीन का इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं किया। सो हमें सिंपली क्या करना है, ये 15, सो इंसर्ट पोज और यहाँ पे भी एक इंसर्ट पोज कर लेता हूँ 30 को। बाद में यहाँ पे आते बीच में और सिंपली हमें क्या करना है, ये जो है ना इसे फर्स्ट टूल से आपको ऐसे प्लस ऐसे ये ऐसे, सो इस तरीके से हमें एनिमेशन करना है। देखो यहाँ पे भी ऐसे होगा, सो हम फर्स्ट की फ्रेम पे आते हैं, ऐसे रखेंगे तो अच्छा रहेगा। देखो ये वाली की हमें कॉपी करनी है, लेकिन इसे हम ऐसे रखेंगे कि वो तैयार है कॉपी पोज। हमने चेंज किए तो यहाँ पे भी हमें चेंज करना होगा, तो पेस्ट पोज कर दिया, देखो ये ठीक है। ये मैं एंटर कर लेता हूँ, यहाँ पे स्लो डाउन हो रहा है लेकिन मतलब स्लोली हो रहा है, तो ये थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं हम लोग ऐसे उठा के भी। तो इसको उठाया और 25 तक कर दिया, अभी ठीक है।
इसी में हम लोग क्या करेंगे, उसके आंखों का भी एनिमेशन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। सो आंखों में मैं अंदर जाता हूँ क्यू दबा के, या फिर यहाँ से डायरेक्टली टूल भी ले सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया, इसके अंदर गए हम लोग। सो यहाँ पे बाहर कितनी फ्रेम है देखो, यहाँ पे 12 to 25। सो यहाँ पे हम लोग गए इंसर्ट की फ्रेम, और ये 25 को इंसर्ट की फ्रेम करके यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके सॉरी और अंदर जाना था हमें, तो यहाँ पे वापस से अच्छा एक काम करते हैं, ये जो है ना ये ऊपर रखते हैं ताकि आँख, अगर आँख को वो ब्लिंक करेगा तो आँख भी नीचे आनी चाहिए, और वो भी आईब्रो भी। इंसर्ट की फ्रेम, राइट क्लिक करके क्लासिकल क्वीन दे देता हूँ। बीच में आके हम लोग यहाँ पे चेंजेस करेंगे, जैसे कि ये यहाँ पे, और हमें इसे ब्लिंक करवाना है तो हमें इसे बीच बीच में भी लाना होगा। एक्चुअली उसका सेंटर प्रॉपरली बीच में नहीं था, तो मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, इसका सेंटर देख लेना पहले। देखो ये यहाँ पे चाहिए था, अभी ठीक है। अभी ये दोनों को पकड़ के इंसर्ट की फ्रेम कर दिया, और ये 25 तक होगा इंसर्ट की फ्रेम, और इसके बीच में राइट क्लिक करके क्लासिकल ट्विन दे देता हूँ। यहाँ पे आते हैं, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम नीचे लेके आएंगे इस तरीके से, और ये जो है इसे हम इस तरीके से छोटा करेंगे। अभी बाहर आते हैं, यहाँ पे देखो सबसे पहले की फ्रेम से शुरू अगर करेंगे ना, देखो सो यहाँ पे रिपीट रिपीट हो रहा है, क्योंकि अंदर हम अगर जाके देखेंगे इसकी की फ्रेम, हाँ यहाँ से क्लियर की फ्रेम कर देते हैं, ये की फ्रेम्स एक्स्ट्रा थे, अभी ठीक है। अभी बाहर आते हैं, यहाँ पे देख लेते पहले। अच्छा यहाँ पे क्यों हो रहा है, इसके अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो फ्रेम नंबर आ रहा है, तो ये 25 होना चाहिए, ठीक है। अभी बाहर आते हैं, और ये 25 तक है ना एनिमेशन, इसको इंसर्ट की फ्रेम करेंगे, और ये एनिमेशन जो है वो क्या करेंगे, हम रिपीट करेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद। सो यहाँ पे एक बार करेंगे हम लोग, और वापस से इसको सेलेक्ट करके और थोड़ी देर बाद करेंगे, तो यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा ज़्यादा होगा, 100 तक रख देते हैं। बाहर आते हैं, और यहाँ पे हम लोग होल्ड रख देते हैं लगभग 220 तक। सो इंसर्ट फ्रेम देखते, देखो ये देखो, तो एक बार मैं कंट्रोल एंटर करके देख लेता हूँ, 30 FPS के हिसाब से मुझे लग रहा है कि ठीक है। हाँ ओके डन। अभी हमें और एक काम करना है, यहाँ पे एक स्क्रीन बनानी है ब्लैकआउट वाली, तो वो बना लेते हैं। मैं ओल्ड टूल ले लेता हूँ, कलर जो है वो डिफ़ॉल्ट ले लेते हैं, और आउटलाइन की ज़रूरत नहीं है हमें, तो आउटलाइन निकाल लेते हैं। और यहाँ पे नए लेयर पे ओवल बना लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये जो ओरिजिनल स्टोरी थी उसके अंदर कैसे दिखा है, देखो। सो कैमरा जूम इन कर लेंगे हम, पहले हमें क्या करना है,
इसे सिर्फ इंसर्ट, सॉरी नया लेयर लिख के इसकी वापस हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम लोग पेस्ट करेंगे और इसका कलर चेंज कर देते हैं। बकेट टूल से फिल कर देता हूँ, देन इसे हम लोग शिफ्ट पकड़ के छोटा कर देते हैं, सो इतना ठीक है। अलाइन से मैं मिडल में कर देता हूँ इसे, सो ये मिडल में हो ही जाएगा। अभी इसके हम कट करके इसको हम यहाँ से निकाल के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और ये वाला एरिया डिलीट कर देंगे। देखो ऐसे दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, सो ये ठीक ही लग रहा है। एक बार कंट्रोल एंटर करके देख लेना कि कैसे दिखाई दे रहा है। लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे जो हेरन है वो बड़ा दिख रहा था। इसे फिलहाल चाहिए तो आप लोग हाइड कर सकते हैं इस तरीके से, और बाकी का मैं अनलॉक कर देता हूँ। और ये इस तरफ होगा प्लस ये बढ़ेगा भी इस तरीके से, सो नीचे वाला पोर्शन नहीं दिखाई देगा हमें, ये ठीक है। ये ज़रा ज़्यादा ही बड़ा होगा एक्चुअली, इतना ठीक है। अभी ये जो है ना बाकी का, जैसे कि ये वाले दोनों, इसे हम लोग थोड़ा और उस तरफ लिख के आते हैं। इस तरफ ताकि वो दिखाई ना दे, उसे हम लोग मूव कर लेंगे, ठीक है, वो ब्लैक होल के अंदर। देखो तो ब्लैक होल में इस तरफ ले लेता हूँ थोड़ा, एक्चुअली ये सेंटर में ही होना चाहिए। हम लोग कैमरा से कर लेंगे, कैमरा से मतलब यहाँ पे देखो कैमरा ले लेता हूँ मैं और इसे इस तरफ ले लेता हूँ। अच्छा सो अभी क्या करना है हमें, ये फोकस होगा और उसके बाद नीचे वाला ग्राउंड फोकस होगा। सो इसका जो भी एनिमेशन है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अभी के लिए इतना ही, बाय।